मुझे आज गर्व हो रहा है आप सबके सामने अपने सातों जो मेरे प्रत्याशी हैं दिल्ली लोकसभा के लिए, उन सातों को मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूं। ये सातों हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुभवी और संगठन के प्रति लगातार, जिनकी प्रतिबद्धता ने कई वर्षों से संगठन में काम करते हुए अपना यह स्थान हासिल किया है, और हम सबको यह विश्वास है कि 2014-2019 के बाद 2024 में भी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ये सातों प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभा जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भी आहुति देंगे। मैं एक एक प्रत्याशी का नाम ले रहा हूं। मेरी दाई तरफ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद और उत्तर पूर्वी दिल्ली से अब हमारे प्रत्याशी श्री मनोज तिवारी जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार 5 वर्षों से 10 वर्षों से क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और पुनः पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है। दाई तरफ दूसरी हमारी बहन कमल जी सहरावत, जो नगर निगम में महापौर रही हैं, वर्तमान में मेरी प्रदेश की टीम की महामंत्री हैं और लगातार संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते हुए आज हमारी लोकसभा की प्रत्याशी हैं पश्चिमी दिल्ली से। उनके साथ योगेंद्र चंदोलिया, आप भी दिल्ली के मेयर रहे हैं, आप भी मेरी टीम के महामंत्री हैं और आपने भी कई वर्षों से लगातार संगठन में अहम भूमिका निभाई है। आप उत्तर पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरे बाईं तरफ हम सबके वरिष्ठ, जिनसे हमको भी सीखने का मौका मिलता है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री रामवीर सिंह धूड़ी जी, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 4 बार से विधायक हैं और आपका अनुभव, राजनीतिक अनुभव हम सब कार्यकर्ताओं में सबसे अधिक है, इसका लाभ भी दक्षिण दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। साथ में श्री हर्ष मल्होत्रा, आप भी दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के मेयर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, वर्तमान में आप भी मेरी टीम के महामंत्री हैं। लगातार संगठन में बारीकी से काम करना और कई वर्षों से कई पदों पर आपने संगठन के साथ काम किया, आपको पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। उनके साथ श्रीमान प्रवीण खंडेलवाल, व्यापारी नेता हैं लेकिन परिवार इनका बहुत पुराना, संगठन के साथ काम कर रहे हैं, प्रदेश के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में चांदनी चौक से हमारे लोकसभा टीम के प्रत्याशी हैं और उस क्षेत्र में लगातार व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, पूरी दिल्ली के व्यापारियों की समस्या को लेकर काम करते रहे हैं। और आपके साथ हमारी छोटी बहन बांसुरी स्वराज, सौभाग्य से ये भी मेरी प्रदेश की टीम की मंत्री हैं और कुशल वक्ता के साथ साथ बैरिस्टर हैं, वकालत इनका पेशा है और किसी परिचय की मोहताज ये भी नहीं है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जो हमारी केंद्र में मंत्री भी रही, हमारी नेता भी रही हैं, उनकी छवि, उनका अक्सर इनमें दिखाई देता है। ऐसी श्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी नई दिल्ली से हमारी प्रत्याशी हैं। तो ये सातों उम्मीदवार हमारे अनुभवी भी हैं, मेहनती भी हैं और अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, इसलिए मुझे इस बात का विश्वास है कि संगठन ने जो निर्णय लिया है, इन सातों के साथ मिलकर हम दिल्ली की सातों सीटें दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम सातों के सातों ये उम्मीदवार, ये सब संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं, पूरे संगठन की ताकत, हर कार्यकर्ता की ताकत इनके साथ लगकर दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम सातों लोकसभा सीटें जीतकर
माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने संकल्प लिया, उसे हम पूरा करेंगे। श्रीमान प्रवीण जी, सबसे पहले हमारे सांसद और पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, क्योंकि वो पिछली दो बार से उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने अनेकों अनेक काम किए हैं जिनका समय से लेकर आपने कवरेज भी किया है, उनके बहुत सारे काम संपूर्ण हो चुके हैं, लगभग इनॉग्रेशन की जगह पर खड़े हैं। ऐसे मनोज तिवारी जी अपने कार्यों का एक छोटा संक्षेप वर्णन आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद प्रवीण शंकर जी। मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है 2024 के दिल्ली के उन सात साथियों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठकर, जहां ये सात कमल नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, जब मैं 2014 में आया था तो हमारे पास, जब मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गलियों में जा रहा था तो मुझे तीन आवाज हर गली से आती थी, सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे? मैं पूछता था साथियों से, ये क्या है सिग्नेचर ब्रिज? मुझे दूसरी आवाज आती थी, ट्रैफिक जाम यहां से हटा दोगे? वो तो मेरी आंखों के आगे था। और तीसरी आवाज आती थी कि क्या इस क्षेत्र में भी सेंट्रल स्कूल बन सकता है? भारत की आकांक्षाओं के जो सबसे बड़े पैरोकार हैं, उन्होंने जो मौका दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, मैंने पहले 5 साल में ही सिग्नेचर ब्रिज बना करके ही मैं लोगों से मत मांगने गया, और तभी एक शुरुआत हो गई थी हमारे क्षेत्र को डी कंजेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक कंजेशन से। आज उसके मैक्सिमम कार्य जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, आज जब आप यहां कनॉट प्लेस के पास पंत मार्ग में बैठे हैं तो यहां से दिल्ली के किसी लोकसभा में नई दिल्ली छोड़ के जल्दी से जल्दी जाना होगा तो अब आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दूर नहीं होगा, बहुत पास है। मैंने सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया, हमने पहली बार मेट्रो हमारे क्षेत्र में, हम ही उसमें बैठ के आए सांसद के रूप में, हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं थी। रेलवे स्टेशन रेल की गाड़ी जाती थी लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं होता था। आज मीत नगर सबौली हॉल्ट से स्टेशन बनने की ओर अग्रसर है, 6-6 गाड़ियां रुकती हैं। हमारे क्षेत्र में अब दिल्ली का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बन के तैयार हो रहा है। हमारा टारगेट 12 झीलों के साथ का था, 5 झील तैयार है, हम अगले 100 दिन में उसको पूरा करके लोगों को देने वाले हैं। हमारा 709 भी, जो हमारे क्षेत्र के शास्त्री नगर से अक्षरधाम जाना हो, शास्त्री नगर से खजुरी जाना हो, करावल नगर जाना हो, शामली, बागपत, सहारनपुर, हरिद्वार या फिर आपको देहरादून जाना हो, दिल्ली से देहरादून की दूरी 2.5 घंटे करने वाली सड़क, उसको हम लोग जून के फर्स्ट वीक में ट्रैफिक के लिए खोल रहे हैं। अभी हमने उस पर गाड़ी भी दौड़ाई कुछ दिन मीडिया के साथ। हमारा मेट्रो का चौथा फेज, जिसमें लोकल गवर्नमेंट सहयोग करने को तैयार नहीं है, वो हम अगले 6 महीने में दे देंगे। हम लोग बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमारे क्षेत्र में एक सेंट्रल स्कूल की जगह 3 सेंट्रल स्कूल पास हुआ है, हमने एक सेंट्रल स्कूल का भवन भी लोकार्पण कर दिया है। अब हमारे सामने जो अगले 100 दिन की चुनौती है, हम उस पर सिर्फ बात करेंगे, उसी पे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 709 भी का निर्माण कर पूरा कर जनता को समर्पित करना हमारा 100 दिन का कार्य होगा। यमुना रिवर फ्रंट का बचा हुआ कार्य पूरा करके देना हमारा समर्पण होगा। मुकुंदपुर बुराड़ी में 33 एकड़ में खेल का मैदान और पार्क बना के देना हमारा अगला 6 महीने का कार्य है। हमारे दिलशाद गार्डन में बन रहे ओपन स्टडी सेंटर को छात्र छात्राओं के लिए लोकार्पित करना अगले 100 दिन का काम है। आफ्टर इलेक्शन
जगतपुरी विस्तार में 2000 लोगों के बैठने का उत्सव पंडाल बनाना हम लगे 6 महीने का कार्य है और हम अभी अपने क्षेत्र का पहला कॉन्वेंशन सेंटर 1000 लोगों का एक साथ बैठने का लोगों को दे चुका हूं और हमारे गोपालपुर गांव में 10 एकड़ का पार्क बनकर तैयार करना, झड़ौदा माजरा में ऑडिटोरियम और सोनिया बिहार रोड का डबल पुस्ता कराना, दामड़ी रोड को चौड़ा कराना और गोकुलपुरी मेट्रो के नीचे से जा रही सड़क को उसको सड़क को दुरुस्त करके लोगों को नाले के दुर्गंध से बचाना हमारा अगला 6 महीने का कार्य। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सरदेवा जी, मंच पर उपस्थित सभी लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उम्मीदवार, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं बहुत आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 लेन का हाईवे उपलब्ध कराया है जिसका लगभग 70% कार्य पूरा हो गया है और इस हाईवे के ऊपर 6000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क साउथ दिल्ली को दिया है। इस इको पार्क में चिड़ियाघर भी है, इस इको पार्क में जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, योगा सेंटर भी है, बोटिंग लेक भी है, सफारी भी है, अनेक पार्क डेवलप किए जा रहे हैं और लगभग 2.5 लाख दरखत लगाए गए हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर भी दिया है और आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर जो अंग्रेज के समय के पुल थे उन पुलों के स्थान पर नए पुल बनाए जाए उसकी व्यवस्था भी की है। जहां तक अन्य समस्याओं की बात है, मैं आप सभी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि फिर में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ने का फैसला मोदी जी की सरकार ने ले लिया है। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट के जो अन्य क्षेत्र हैं जो मेट्रो के साथ नहीं जोड़े गए हैं उनको मेट्रो के साथ जोड़ा जाएगा। दिल्ली के गांवों की जो एक्सटेंडेड आबादी है, लाल डोरे के बाहर की जो आबादी है उसको नियमित किया जाएगा और एक्सटेंडेड आबादी में जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है उस जमीन के ऊपर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ब्रादर पार्क आदि विकसित किए जाएंगे। मेरे सब्जी पार्लियामेंट सीट में संगम विहार है, छतरपुर विधानसभा है और देवरी विधानसभा है। इसमें ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुई पड़ी हुई है और मैं आज मीडिया के सामने ये एश्योर कर रहा हूं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित मतदाताओं को कि मास्टर प्लान की जो रोड्स हैं जो किन्हीं कारणों से नहीं बनी उन रोड्स को बनाया जाएगा, रोड्स ही बनेगी और जहां आवश्यकता होगी जैसे मांडी जौनापुर रोड है, छतरपुर रोड है, संगम विहार की सड़कें हैं, यदि एलिवेटेड रोड भी बनाने की आवश्यकता होगी तो एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था क्षेत्र में ठीक ठाक हो सके। इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर लगभग 69 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज है जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन कॉलोनियों में अमीर लोग रहते हैं। इन सभी 69 अनऑथराइज कॉलोनीज को मालिका हक दिलवाया जाएगा, रेगुलराइज करवाया जाएगा और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज है जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेगुलराइज करके मालिका हक दिया है, इन कॉलोनियों में जहां जहां ग्राम सभा की और सरकारी जमीन खाली पड़ी है उन जमीनों के ऊपर इन क्षेत्रों के नागरिकों के।
Thank you.